नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। यूएस स्पोर्ट्स पब्लिकेशन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड एक नॉन फंजिबल टोकन टिकटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है, जो कि इथेरियम स्केलिंग टूल पॉलीगॉन नेटवर्क पर बनाया गया है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के टिकटिंग मार्केट प्लेस एसआई टिकट ने क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क के पीछे कंपनी इथेरियम सॉफ्टवेयर फर्म कंसेंसस के साथ पार्टनरशिप में बॉक्स ऑफिस विकसित किया है। मंगलवार को की गई घोषणा में कहा गया है कि ये दुनिया की पहली कंप्लीट एनएफटी टिकट सर्विस होगी, जो इवेंट के ओनर्स, ऑर्गेनाइजर्स और प्रमोटर्स को सुपर टिकट नामक फीचर के माध्यम से हाईलाइट्स, कलेक्टिबल्स और ऑफर जैसे कि टिकट्स में एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी का निर्माण करने के लिए बॉक्स ऑफिस का उपयोग करने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, विशेष रूप से टिकटिंग, जिसमें पेमेंट सिक्योरिटी बढ़ाने और स्कैल्पिंग और फ्रॉड को खत्म करना शामिल है। नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस डेवलपमेंट के हेड ब्रायन ट्रंजो ने प्रेस रिलीज में कहा, जिन्होंने कहा कि ये लॉन्च कंज्यूमर अडॉप्शन को ग्रो करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल आर्टवर्क से जुड़ी क्रिप्टो दुनिया के टोकन एनएफटी को उनकी कीमत और कल्चरल कैचअप में लगभग पूरी तरह से गिरावट के बावजूद पेरिस के पोम्पिडू सेंटर में एक शो की अनुमति दी गई है। फ्रेंच कैपिटल के मरायास डिस्ट्रिक्ट में एक पॉपुलर अट्रैक्शन पोम्पिडू ने डेडिकेटेड एनएफटीज की अपने मिनिमलिस्ट हॉल्स में एग्जीबिशन खोली है, जो डिजिटल आर्ट फॉर्म को एक बहुत जरूरी लिफ्ट दे सकता है। ब्लॉकबस्टर मल्टीमिलियन डॉलर की सेल्स ने 2021 में फ्यूल पब्लिसिटी में मदद की और डिजिटल टोकन्स क्या थे इस पर रेगुलेशन और जनरल कंफ्यूजन की कमी के बीच कीमतें बढ़ गईं। लेकिन फ्रेंच एनालिटिक्स फर्म आर्ट प्राइस के अनुसार एनएफटी ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2021 और 2022 के बीच 94% गिरकर $233 मिलियन से $14 मिलियन हो गई। एनएफटी आर्ट का कलेक्शन शुरू होने वाली पहली यूरोपियन गैलरी पोम्पिडू में इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स इकोनॉमिक्स की तुलना में आर्ट के बारे में बात करने के लिए अधिक उत्सुक हैं। हालांकि एनएफटीज में इंटरेस्ट में गिरावट के साथ साथ क्रिप्टोकरेंसीज के वैल्यू में व्यापक गिरावट के कारण ओपनसी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड के अनुसार पोम्पिडू को सिर्फ कुछ मुट्ठी भर डॉलर के लिए कई काम करने की अनुमति मिली। लगभग आधे काम उसके क्रिएटर्स द्वारा डोनेट किए गए थे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इफ्लांट एक पर्सनलाइज 3D वर्चुअल स्पेस है, जो यूजर्स को मेटावर्स की दुनिया में खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने और दूसरों के साथ सोशलाइज करने की अनुमति देता है। अपने इफ्लांट ऐप को अपडेट करने के बाद यूजर्स 4 टेरेन्स और 6 बिल्डिंग्स में से प्रत्येक में से एक का सिलेक्शन करके अपना इफ होम बना सकते हैं। वो 4 टेरेन्स यानी फॉरेस्ट, यूनिवर्स, बीच और सिटी विलेज हैं, और 6 अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स यानी सेंटोरिनी स्टाइल हाउस, वुडन हाउस, हेनॉक स्पैनिश स्टाइल हाउस, कैबिन और मॉडर्न हाउस है। यूजर्स वॉलपेपर, फ्लोरिंग, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और प्रॉप्स जैसी कई कैटेगरीज में लगभग 400 अलग अलग आइटम्स का उपयोग करके अपने पर्सनल स्टाइल और टेस्ट के अनुसार अपने वर्चुअल होम्स को डिजाइन और डेकोरेट कर सकते हैं। वे अपने मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस को एक जायंट 3D बॉल या एक फ्रेम पर पोस्ट या डिस्प्ले करके अपने डेली लाइफ थॉट्स और इंटरेस्ट को भी शेयर कर सकते हैं, जिसे कहीं भी रखा जा सकता है। एक एफ होम के विजिटर्स इन पोस्ट पर लाइक और कमेंट दे सकते हैं और गेस्ट बुक पर एक फुटप्रिंट या एक मैसेज छोड़ सकते हैं। यूजर्स प्रत्येक एफ होम को असाइंड एक यूनिक URL भेजकर गेस्ट को आसानी से आमंत्रित कर सकते हैं। बता दें कि वर्ष के भीतर एक इकोनॉमिक सिस्टम भी पेश की जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो 3D कंटेंट जैसे वर्चुअल डेकोरेशन आइटम्स और स्पेशल इफेक्ट्स डाइवर्स इवेंट्स के लिए टिकट और रेयर NFT को इफ्लान में बेचा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। MOI बिट एक प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजनेसेस और इन प्रोडक्ट्स को सशक्त बनाता है। को डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में नेशनल COE 12th इंक्यूबेशन राउंड के लिए चुना गया है और कथित तौर पर MOI बिट ब्लॉकचेन MOI पर बनाया गया है। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार MOI बिट एक डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपस्केल क्लाउड एनवायरनमेंट के लिए निर्धारित है, जो अपने यूजर्स को ओनरशिप, उनकी डिजिटल इंफॉर्मेशन का कंट्रोल और स्टोरेज एनवायरनमेंट प्रदान करता है। क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए MOI बिट का उद्देश्य स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स के लिए डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, लोकेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस और ऑडिटेबिलिटी को प्रबंधन के समर्थन करना है। DSCI के साथ अपने जुड़ाव के साथ
MOI Bit अपनी एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और लॉन्गेबिलिटी को बढ़ाने का इरादा रखता है। Over to you, रोशनी। ग्लोबल ब्लॉकचेन क्लाउड कंपनी सराकल ने हाल ही में वेब थ्री कंपनियों के बीच ब्लॉकचेन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन एल्गोरैंड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस इंटीग्रेशन के साथ सराकल एल्गोरैंड के लिए वन क्लिक ब्लॉकचेन नोड सेटअप प्रदान करेगा और इस प्रकार वेब थ्री प्रोजेक्ट्स के लिए डेव ओपीएस कॉस्ट का 90% तक बचाने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सराकल एल्गोरैंड एपीआई प्रदान करेगा जो इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्नोस्टिक बनाएगा, जिससे डेवलपर्स को एल्गोरैंड के साथ काम करने के लिए अधिक पहुंच मिलेगी। सराकल ब्लॉकचेन क्लाउड अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, डिजिटल ओशन और ओरेकल क्लाउड जैसे लोकप्रिय क्लाउड मार्केटप्लेस पर भी उपलब्ध होने की तैयारी कर रहा है, जो उनके ब्लॉकचेन सेल स्केलिंग सॉल्यूशन तक और भी अधिक पहुंच प्रदान करता है। कुल मिलाकर ये इंटीग्रेशन और इनक्यूबेशन फैसिलिटी भारत में वेब थ्री इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण कदम को रिप्रेजेंट करता है। सराकल और एल्गोरैंड क्षेत्र में इनोवेशन और ग्रोथ को चलाने के लिए अच्छी तरह से तैनात है। सराकल के एल्गोरैंड के अपने ब्लॉकचेन क्लाउड प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन के साथ भारत में एल्गोरैंड का भविष्य आशाजनक लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब थ्री से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।